3 दिनों पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। इस कारण लोग कहीं भी आने जाने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चांदन उच्च विद्यालय के मैदान पर कटोरिया देवघर मुख्य मार्ग के किनारे चापानल के पास उपयोग में लाया गया एक पीपी किट फेंक दिए जाने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि कल 8:30 बजे तक यहाँ कुछ भी नहीं था। कल रात को ही किसी ने खेल मैदान के पास स्थित चापानल पर यह पीपी किट खोलकर फेंक दिया है। यह किस शरारती तत्वों का काम है इसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस पीपी किट को देखते ही अगल बगल के घर और आसपास के लोगों में दहशत फैल गया है। ज्ञात हो कि इसी चापानल के पास रोजाना सब्जी बेचने वालों की लंबी कतार लगती है, जो चांदन कटोरिया पक्की सड़क के किनारे है। साथ ही साथ यह एकमात्र ऐसा चापानल है जहां प्रखंड मुख्यालय के आधे से अधिक लोग पानी लेने आते हैं। बताया जाता है कि इससे अच्छा पानी पूरे चांदन में कहीं नहीं है, इसलिए सुबह 4 से रात के 10 बजे तक इस चापानल पर पानी लेने वालों की लकीर लंबी कतार लगी होती है। पर इस पीपी किट के कारण इस चापानल पर आज सुबह से ही लोगों का आना जाना बंद है। साथ ही साथ सब्जी बेचने वाले और आने जाने वाले लोग भी इसको देखते ही दूसरी तरफ भाग जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ना तो स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक ध्यान दिया है और न ही प्रशासन के किसी सदस्यों ने नहीं देखा है, जबकि सुबह शाम पेट्रोलिंग इसी मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरती है। लोगों की परेशानी इस पीपी किट ने काफ़ी बढ़ा दिया है। मौत और जिंदगी का सफ़र कर रही एक बूढ़ी औरत का वीडियो सामने आया है। इस गर्मी के मौसम में लू की बौछार के मौसम में कड़कड़ाती लू की गर्मी में बेटे अपने 70 साल की मां का तबीयत खराब होने के कारण धूप में ही ठेले पर रखकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। अमरपुर अस्पताल से इस बूढ़ी मां का घर करीब 7 किलोमीटर है। बूढ़ी उंगा देवी के बेटे मुन्ना सा ने बताया कि मेरी मां का तबीयत अचानक बिगड़ गया, जिससे परिजन ने कोरोना का हल्ला कर दिया और कोरोना का नाम सुनकर कोई सहयोग नहीं करने लगा। मैं बेबस होकर अपनी माँ को ठेला पर सुलाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मुन्ना सा। क्या बात है बताइए, क्या बात है? आप तो सब ले लिया और पुलिस ने लेकर के चला जाएगा, जहाँ मन था छोड़ देगा। बात क्या है बताइए ना। बात है सरकारी डॉक्टर ने सुझा दिया है उस हॉस्पिटल में, उसी कारण से बुखार लग गया है। अलवरा उससे कुछ बकता है बुखार से। अच्छा, एम्बुलेंस को फोन नहीं किए जो ले जा रहे हैं? हम नहीं जानते, नहीं फोन किया हम। कहाँ से आ रहे हैं? रुपसा से। जाना कहाँ है? अमरपुर जाना है। अमरपुर कहाँ? अमरपुर डॉक्टर के पास। अब जो डॉक्टर अच्छा होगा तो उसी को दिखाएंगे हम। सरकारी अस्पताल जाइएगा कोई प्राइवेट? सरकारी या प्राइवेट जाइएगा, देखते हैं। वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे तब तो। पुआल की टाल में आग लग जाने के कारण 25,000 की संपत्ति जलकर राख हो गया। अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में पुआल की टाल में आग लग गई, जिससे विधवा सुशीला देवी, पति स्वर्गीय गैबी मंडल और सैबी मंडल दोनों का मिलाकर 10,000 पुआल की आंटी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि सुशीला देवी की आर्थिक स्थिति पति नहीं होने के कारण खराब है, इसलिए सरकार द्वारा उचित मुआवजा देना चाहिए ताकि अपना जीवन यापन किसी तरह से कर सके। सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर डाड़े में प्रत्येक साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था दुर्गा पूजा, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना का ग्रहण लग गया है, जहाँ पर इस साल भी देखने को मिला। यूं कहें कि इस वर्ष कोरोना को लेकर पूजा समितियों के द्वारा सरकारी गाइडलाइंस के तहत मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। साफ तौर से श्रद्धालुओं में कोई खुशी नहीं देखा गया और मन ही मन मां दुर्गे की नमन करते हुए कोरोना से देश को बचाने की मिन्नत की और मंदिर के बाहर से अपना अपना शेष को नवाया। मंदिर के भव्यता को जिस तरह आप देख रहे हैं उसी अनुरूप यहाँ कार्यक्रम भी हुआ करता था,
बहुत पहले से ही, लेकिन इधर ओवर 100 से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट के नए चिकित्सा प्रभारी के रूप में डॉक्टर रश्मि कुमारी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं डॉक्टर रश्मि कुमारी ने बताया कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। आगे बताया कि कोविड-19 की इस दौर में हमें आमजनों का सेवा करने का मौका मिला है, जिसे हम अच्छे ढंग से निर्वाह करूंगी और मैं यथासंभव रोगियों का उपचार करके ठीक करने का काम करूंगी। विषम परिस्थितियों में ही रोगियों को सदर अस्पताल बांका रेफर करूंगी। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, और साथ में जो भी ट्रीटमेंट में मेडिसिन या सर दिया जा रहा है जो तकलीफ उससे रिलेटेड, और साथ में दो पक्षों में हुआ खूनी झड़प। अमरपुर थाना क्षेत्र के जैठोर जमुआ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें नारायण सिंह उम्र 45 वर्ष पूरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी का इलाज रेफर अस्पताल अमरपुर में किया गया। जख्मी नारायण सिंह ने बताया कि मेरे ही अपने भाई मुकेश सिंह ने पत्थर से मारकर मेरा सर फाड़ दिया है। घायल नारायण सिंह ने थाने में लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बांका में सड़क हादसे में लगातार काली सड़कें लाल होती जा रही है। अमरपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के समीप मोटरसाइकिल अचानक से गिर गई, जिससे ड्राइवर छोटू दास और पीछे बैठे विक्रम दास पूरी तरह से जख्मी हो गया। छोटू दास पिता श्याम दास, विक्रम दास पिता दिग्गल दास दोनों फतेहपुर अमरपुर का रहने वाला है। दोनों की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज कर मायागंज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों अमरपुर से सब्जी खरीद कर घर की ओर जा रहा था, वहीं घर जाने के क्रम में दुर्घटना हो गई।